हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी पहुंच गया है हमारा प्रोडक्ट जो आज आने वाला था, और वो है कुकर। क्योंकि हमने आज कुकर ऑर्डर किया था, आज नहीं किया था, मतलब पहले किया था, तो आज पहुंच गया है। तो हमारा जो कुकर था वो 1 लीटर का ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से हमने 2 लीटर का मंगाया है नया। क्योंकि कभी कभी छोटे कुकर भी चाहिए होते हैं घर में, कुछ चीज़ें हमें बॉयल करनी है, उबालनी है। तो चलिए दिखाते हैं उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को। तो बेटा कर रहा है इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर का, पापा जी ने किया था ऑर्डर इसका, तो फाइनली आज पहुंच गया है ये। तो देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। कभी हम घर में अकेले होते हैं और 5 लीटर के कुकर से अच्छा है कि हम छोटे कुकर में ही अपना काम कर लें। तो ये इसकी बुकलेट वगैरह है, तो हम देखते हैं कुकर कैसा है हमारा। तो ये है इसका ढक्कन। अब बाकी तो इसमें पकाने के बाद पता चलेगा कि कैसा बना है। बाकी छोटा सा है, क्यूट सा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। गोल इसमें देख सकते हैं आप ये। और ये है इसकी सिटी। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, छोटा सा गोल करेंगे और काफ़ी अच्छा है। इससे पहले हमारा 1 लीटर का था, वो बहुत ही छोटा था। इसका ढक्कन नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लगाना नहीं आ रहा होगा, मैं देखूंगी अभी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है एक पुष्प जिससे हम कोई भी विश मांगते हैं तो वो पूरी होती है, जिसका नाम है ब्रह्म कमल। तो ये हमारे दीदी हैं बगल में, तो उनके यहाँ ये खिला था और दोपहर से बहुत छोटा था ये, और धीरे धीरे खिलता है ये, तो इसको देखना पड़ता है क्योंकि ये खिलने के बाद थोड़े समय बाद मुरझा भी जाता है। तो दोपहर से दी लोग देख रहे थे कि कहीं खिल ना जाए, बट इसका टाइम जो होता है खिलने का वो रात में ही होता है। तो अभी इस समय 10 बज रहे थे, तो धीरों का फ़ोन भी आया था कि ब्रह्म कमल खिल रहा है तो देखने के लिए आ जाओ, तो हम लोग भी बाहर चले गए थे इस समय। तो 10 से 12 बजे के बीच में टाइम होता है इसका खिलने का, और हम वेट कर रहे थे क्योंकि थोड़ा तो खिल चुका था, धीरे धीरे पत्तियां खुल रही थी इसकी, बहुत ही स्लो स्पीड में खिलता है ये, तो देखना पड़ता है। और ये ऐसा पुष्प है जिससे हम कोई भी विश मांगते हैं तो पूरी हो जाती है। तो जब ये पूरा खिल जाएगा तो उसके बाद इसको चढ़ाया जाएगा शिव जी के ऊपर। तो उसके बाद शिव जी के ऊपर जब हम चढ़ाएंगे तो 2 बजे के बाद ये मुरझा जाता है, मतलब ये बंद हो जाता है। तो वेट कर रहे थे, काफ़ी खिल चुका था, तो विश हमने मांग ली थी, अब शिव जी पूरा करेंगे उस विश को। तो फ्रेंड्स ब्लॉग आज का यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।